तो फर्स्ट चैप्टर ओवर हो चुका है, आज हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर वो चैप्टर वन ही था। हाँ सब जितना पढ़ा है सब अभी चैप्टर वन हुआ है, अब चैप्टर टू पे आ गए ना। चैप्टर टू देखो, कुछ पार्ट है रिडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह, वो रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाएंगे उसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है, अभी नहीं करवाएंगे। बाकी तो मैंने बहुत सी चीजें बता दी आपको, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे आज से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बेसिक बेसिक बातें पहले आपको बता दूं, आपको पता भी होगी। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको एग्जैक्ट मास पता होना चाहिए। एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्स, एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं वो पता होना चाहिए कितना। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.6, सॉरी 6 पॉइंट क्या बोलो, क्या हो गया अपने को, हाँ बोलो, 6.672 इंटू 10^-27 के जी, 1.67। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये अप्रोक्सीमेट है सर, है ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, नोट कर लो। ये एग्जैक्ट हो गया, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया वो बता दिया। और यहां पे 9.1091 होता है, मतलब आप एग्जाम में 9.1 भी लिख दोगे यहां पे इनटू 10^-30 चलेगा, यहां पे 1.67 भी लिख दोगे 1. तो बताओ किसका मास सबसे ज्यादा दिख रहा है। अरे 9 है, अरे -31 है, ये -27 में है ना, तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोटॉन में, लगभग लगभग मैं बोल सकता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ओनली, ठीक। एक होता है अल्फा पार्टिकल, है ना, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो 4 times मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और चार्ज की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10^-19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्यू अल्फा, क्यू मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 times चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेसिकली, है ना, 2 times मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 2 × 1.6 × 10^-19, हां क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो अल्फा पार्टिकल के भी बारे में बता दिया, आपको पता होना चाहिए पहले ही बता दिया, क्योंकि यूज होगी ये सब इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल्स में, हो सकती है एक रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में यूज होगी, तो ये नोट कर लो। अच्छा प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, QP, QP मतलब प्रोटॉन पे चार्ज, इसको QE भी लिख सकता था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज QE, इसपे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सेम बस प्लस हो जाता है, ये माइनस था, अगर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होता है ना, क्यों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नो चार्ज। तो रिलेटिव अगर हम बात करें, रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास की, रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास की, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1 रिलेटिवली, और मास 1 होता है रिलेटिवली, रिलेटिव वाली बात है, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम बात कर रहे हैं, इसका इसके रिस्पेक्ट में। तो ये चार्ज और रिलेटिव मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज -1, मास नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल जब मैं बोल रहा हूं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब काफी छोटा है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम है, और न्यूट्रॉन 0 चार्ज बट मास 1, ये रिलेटिवली हम मान रहे हैं, है ना, आप देख सकते हो, डिवाइड करके देख लो, वही रेशियो, रेशियो टाइप की चीज समझ लो या, है ना, ऑलमोस्ट, अरे इन दोनों को डिवाइड करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे मास तो 1/1 लगभग आ रहा है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही नेग्लिजिबल जा रहा है इनके आगे, बहुत छोटा हो जा रहा है ना। तो ये चीज, ये रिलेटिव है, एक्चुअल मास नहीं, एक्चुअल मास यहाँ पे है, रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज यहाँ पे है।
और ये एक्चुअल चार्जेस, ये अल्फा पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, तो ये सारी बातें आपको बता देंगे। वेवलेंथ अगर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, तो जो मास का ऑर्डर उसकी का उल्टा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया, अब हम मिटा देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ एटम। देखो आज भी लोग एटम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो एटम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सो मोस्ट ऑफ एटम यानी कि 99.99% से भी ज्यादा या उसके आसपास इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और एटम जो होता है वो टू डायमेंशन नहीं होता, जैसे हम लोग बना देते हैं, तो एटम एक्चुअली इज थ्री डायमेंशन स्फीयर। हम लोग एक्चुअली में इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ना कि टू डायमेंशन, कभी समझने के लिए टू डायमेंशन बना देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है। तो ये नोट कर लो सारी बात एटम के बारे में, बेसिक्स, और कोई डाउट हो पूछ लो। क्या बोल रहा है, अगर मान लो क्रिकेट बॉल एक न्यूक्लियस है, क्या बोला, क्रिकेट बॉल है मान लो, है ना, और ये क्या है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको न्यूक्लियस भी, क्रिकेट बॉल अगर एक हम कंपैरिजन दे रहे हैं भाई, एटम जो है न्यूक्लियस के लिए, जो सॉरी एक एटम के लिए जो न्यूक्लियस है, वही 5 किलोमीटर तक जो ग्राउंड है, मान लो ये कितना है 5 किलोमीटर तक, उसके लिए क्रिकेट बॉल और इसका जो कंपैरिजन है साइज का, है ना, जितना 5 किलोमीटर ग्राउंड के लिए क्या होगा कि एक क्रिकेट बॉल, उतना एक एटम के लिए क्या होगा, एक न्यूक्लियस, मतलब इतना छोटा है न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम, ठीक है। यानी कि ऐसा पाया गया कि डायमीटर, डायमीटर को मैं फाई करके लिख रहा हूँ, फाई मतलब डायमीटर, इज ऑफ एटम इज फाउंड टू बी अराउंड 10^5 टाइम्स डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि डायमीटर ऑफ एटम कितना होता है, अराउंड या डायमेंशन बोलो, चाहे डायमीटर, यहां पे 10^-15 मीटर, और व्हाट इज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, 10^-न्यूक्लियस इज 10^-15, और ये क्या 10^-10 मीटर, तो दोनों को कंपेयर कर लो, ये एटम का हो गया, कौन बड़ा है, एटम या न्यूक्लियस, ऑब्वियसली एटम, कितने टाइम बड़ा है, डिवाइड कर दो 10^5 टाइम आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, देख लो एक बार, ठीक है, तो नोट कर लो, समझ में आ गया तो नोट करो मेरे। तो एटम का रेडियस कितना होगा, बोलो 5 किलोमीटर का, अगर क्रिकेट बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूक्लियस, है ना, समझ में आ रही बात, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा अगर वो न्यूक्लियस बॉल की तरह है, मतलब कितना बड़ा है। ये सब थोड़े फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया इसको।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, है ना। किसके बारे में? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितने बराबर होता है बताओ? 10^14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको केजी पर मीटर में लिखोगे 10^17 केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एक बार किसी कॉम्पिटिशन में आया था कि किसके बराबर होती है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 10^12 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लेड। लेड जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी से, मतलब न्यूक्लियस काफी डेंस होता है बेसिकली, ये कह रहा जा रहा है न्यूक्लियस इज हाईली डेंस। सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अपने को पता भी नहीं चल रहा है, बहुत छोटा, लेकिन मास देखो तो कितने ग्राम है, मतलब कितने केजी होंगे। हाँ सही लिखा है, देख लो एक बार, पर मीटर क्यूब तो सही लिखा है। अगर 1 मीटर क्यूब ले ले, थोड़ा बड़ा कर दे, तो सोचो कितना मास है, 10^17 बहुत जरूरत क्या बोले भाई, ठीक है तो चार सही है। डाउट अच्छा, इसको मीटर, इतने मीटर को हम क्या बोलते हैं? फर्मी मीटर है ना, FM भी लिखते हैं, F मैम, F मतलब 1 फर्मी मतलब 10^-15, या फेमटो भी बोलते हैं, फर्मी या फेमटो, है ना। तो रेडियस की अब हम बात करते हैं, किसकी बोलो, किसकी बात करें? रेडियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर हमें जानना है, क्या इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहे हैं, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, यहां देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मान लो आर है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर, एनी न्यूक्लियस कोई भी एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस आर है, और ए क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मान लो ए क्या उसका एटॉमिक मास है। सो जो रेडियस और एटॉमिक मास में जो रिलेशन है, ये पाया गया कि रेडियस ऑफ दैट, और ये सेंटीमीटर में होना चाहिए रेडियस, ये पाया गया कि ए पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, मतलब क्यूब रूट ऑफ ए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। सो इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आर नॉट डाल दिया हमने, और ये किस में आना चाहिए? आर की वैल्यू सेंटीमीटर में, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, क्लियर। और आर नॉट की वैल्यू क्या है? 1.3 × 10^-30, आर नॉट इज 1.3 इंटू, ये रट लेना, ये कॉम्पिटिशन में आ चुका है इस पे क्वेश्चन, -13 क्या ऑब्वियसली सेंटीमीटर ही है, तो नोट कर लो ये सेंटीमीटर नहीं, आर नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या मैंने बताई? 1.3 × 10^-30, ये रटा होना चाहिए आपको, नोट करो। हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ के बारे में, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ एटम 10^-24 की ऑर्डर का होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10^-39 सेंटीमीटर क्यूब के ऑर्डर का होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है एटम, ऑब्वियसली एटम है ना, वो तो ऑब्वियसली एटम का ही होगा। बताओ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितने गुना ज्यादा है, कम है? -15 के 10^-15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम, ये भी आ रहा है। ये जो डायमीटर था या साइज था 10^5 टाइम का डिफरेंस, और वॉल्यूम मतलब डायमीटर का डिफरेंस इतना था, वॉल्यूम का इतना डिफरेंस है, ठीक है, नोट कर लो। तो भाई सही है, डायमीटर क्या होती है? लेंथ होती है कि नहीं? तो लेंथ का क्यूब करो, बताओ जब इनका डिफरेंस 5 का था तो इस 5 का क्यूब क्या होगा? 10^5 का क्यूब, 10^5 का क्यूब क्या होता है? 10^15 होता है, तो वही तो आ रहा है, उसी ऑर्डर का तो आ रहा है।
क्लियर, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। तो आज ये सब इंट्रोडक्शन, आज क्लास है इंट्रोडक्टरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो चीजें मैंडेटरी हैं पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, वो सारी बात बता दी जा रही है, रट लेना। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए? केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ लो। यहाँ पे पैसा ना बर्बाद करो, क्यों वेस्ट कर लो? अभी स्टार्ट हुआ, रिवाइज करते रहो, रिवीजन नहीं करोगे, एटलीस्ट नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो ना, तुम क्वेश्चन कम लगा रहे पर नोट्स रिवीजन कर रहे हो, तो भी तुम डिसेंट लेवल पे होगे, सेफ हैंड्स में होगे। अब आ जाओ चार्ज की बात करें। चार्ज क्या होता है? क्यू है ना, और क्यू क्या होता है? कूलम स्पेस की दो यूनिट फेमस है, फैराडे और एक कूलम, ये यूनिट हो गए। ESU भी होती है ना, एक और यूनिट होती है, बट हमारे लिए कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में? फैराडे, इसको बोलते हैं फैराडे, और ये क्या है? कूलम, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रो ESU स्टैट है, या स्टैट कूलम भी होती है, सॉरी स्टैट कूलम, ऐसे करके और भी यूनिट्स होती है। हमारे चलो दो लिखता हूं मैं, अभी कंफ्यूजन ना हो, हमें दो यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है? वन फैराडे और कूलम में भी रिलेशन होता है। वन फैराडे इज अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, एक्चुअल वाली कुछ और होगी पर ये है ना, ठीक है? तो ये दोनों में रिलेशन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, सॉरी यूनिट बोले, फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी इंटीजर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसका इंटीजर मल्टीपल है, कोई भी चार्ज जो है वो उतना ही आएगा जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, ठीक है? ये इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज का एक और फॉर्मूला क्या बताओ? करंट इनटू टाइम, सुना है? तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है करंट एफिशिएंसी इनटू करंट इनटू टाइम। यहां पे करंट एफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में 1 मान लेते हैं, करंट एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं 1। करंट एफिशिएंसी क्या हो गई, इसको इसको बोलते हैं करंट ईटा, जो सिंबल है इसको करंट एफिशिएंसी बोलते हैं। मान लो तुमने 100% भेजा और पहुंचा कितना करंट, 70%, तो करंट एफिशिएंसी कितनी हो गई? 70%। तुमने भेजा 100% करंट और पहुंचा 70%, तो यार लॉस हो गया, यानी कि एफिशिएंट कितना रहा? 70%। इसलिए वो टर्म, यानी कि 70% या 70/100 लिख देते, पर 100 अगर 100% भेजा 100% पहुंचा तो 100/100 क्या हो गया? 1। इसलिए मोस्ट ऑफ द सवाल में हम ईटा 1 मान लेते हैं। इनफैक्ट एंटायर फिजिक्स आप पढ़ते हो तो क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूले से पढ़ते हो, है ना? बट एडवांस के पैसेज में अगर ऐसा आ जाए कि 70% इज द करंट डिवीजन, तो यहाँ पे वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70/100, ठीक है? क्लियर हो गया? तो बताओ चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज और वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वन मोल छोड़ो, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? दिस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, एनए की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इनटू 10.23। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ गया? इसको जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 96500 आ गया अप्रोक्सीमेटली। देखो एग्जैक्टली कुछ और है पर अप्रोक्सीमेट बता रहा है, यानी कि किसके बराबर हो गया? 1 फैराडे। Therefore, और ये चार्ज और एवोगैड्रोस नंबर इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एवोगैड्रोस नंबर कितने मोल में होते हैं? 1 मोल। तो हम बोल सकते हैं यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, सिंपल भाषा में इसी चीज को ऐसे लिख दिया, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे या 96500 कूलम्स। ये याद रखना काम की चीज। ठीक है, इजी है।
इसको आगे बढ़ते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ऐसी स्पीशीज जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन टोटल क्या है, सेम हो तो हम क्या बोल देते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है वो। आपस में क्या बोलेंगे, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल मान लो जैसे हमने लिया Al3+, Mg2+, Na+, Ne, F-, O2-, N3-, मान लो ये सारा लिखा हुआ है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। ऑल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, जब आप कैलकुलेट करोगे सब में 10। कैसे, एल्युमिनियम के में कितने प्रोटॉन, 13, 13-3 10, 12-2 10, 11-1 10, इसका तो 10 होता है ये प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर एक ही बार। 9+1 10, 8+2 10, 7+3 10, है ना, यानी कि ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 10, देयरफॉर ये सारे क्या हो गए आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, ऐसे बोलेंगे दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। एक और एग्जांपल K+ है और Cl+2+ है, ये भी इन दोनों में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, कैलकुलेट कर लो, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक। मान लो Cn- है, CO है और N2 है, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बताओ? क्यों, वो तो हमने इसलिए लिख दिया इसलिए, तो Cn- CO और N2 इनमें सब में कितने बताओ, यहाँ कार्बन पे कितने होते हैं, वैसे एक कार्बन पे कितना होता है 6, और नाइट्रोजन पे 7, तो 6+7 13 और 1 14। यहाँ पे भी कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे कितना 8, 14, 2 नाइट्रोजन, 7 × 14 है, तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो 14 मतलब ये भी सब तीनों क्या हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोट करो। क्या हो गया, इतना दिक्कत कर रहा हूं, मान लो कि आ गया OF2 और HClO, है ना, तो बताओ ये दोनों क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, O पे कितना है 8, क्लोरीन पे कितना 9 × 18 मतलब कितना हुआ 26, और H पे 1, क्लोरीन पे कितना 17, ऑक्सीजन पे कितना हुआ 26, हाँ ये दोनों भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी क्या हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्लियर हुआ बात? और बताएं, कर लोगे? तो ये हमें पता होना चाहिए, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमने बताया हुआ है वैसे तो, पर आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें जेड सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, है मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, है क्या हो गया, ठीक है। जैसे आइसोटोप का एग्जांपल H11, H21, H31, इसको बोलते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम, इसको डी करके भी लिखते हैं, इसको ट्रिटियम भी बोलते हैं ना, तो ये तीनों क्या हो गया, देख सकते हो जेड सेम है तीनों का, 111 जेड है ना, अरे किसी भी एलिमेंट को एक्स ए जेड करके लिखते हो, ये नीचे वाले नंबर जेड है, यहाँ जेड 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 वन है, यहाँ ए ए ए अलग है, तो ये आइसोटोप्स। उसी तरह क्लोरीन का मैंने बताया था 35-17 एंड क्लोरीन 37-17, ये भी क्या हो गया आपस में आइसोटोप्स, दीज टू आर आइसोटोप्स, ये भी तीनों आपस में क्या होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोटोप यही होता है। फिर आ गया क्या आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें जेड डिफरेंट हो और ए सेम हो जाए, क्या बोला, Z
जेड डिफरेंट और ए सेम हो जाए ना, क्यों? तो जैसे आर्गन है 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040, ये देखो तीनों में ए अब इस बार सेम है, जेड डिफरेंट हो गए, 18 19 20 जेड डिफरेंट आ गया बट ए सेम हो गया, तो ये भी आपस में ये आइसोबार्स हो गए। फिर आता है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें क्या होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब एन वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, एन वैल्यू क्या है सेम है ना आइसोटोन में, डिफरेंट ए, ए और जेड भी डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ए और डेड जेड दोनों डिफरेंट होने चाहिए याद रखना, और न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए तब हम बोलते हैं क्या आइसोटोन्स, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो 14 कार्बन 6 लिखा है और कहीं लिखा है नाइट्रोजन 15 7 और 16 ऑक्सीजन 8 लिखा है, तो बता तीनों आइसोटोन्स हैं क्या आपस में, बिल्कुल है। न्यूट्रॉन कितना कैसे निकालते हो, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन निकालते थे तुम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, तो कर दो 14 माइनस 6 8 15 माइनस 7 8 16 माइनस 8 8 है ना, तीनों में न्यूट्रॉन सेम है तो ये तीनों आइसोटोन्स हो गए। हम बात करेंगे आइसोस्टर्स की, आइसोस्टर्स हैं क्या हो गया, आइसोस्टर्स एलिमेंट्स कभी भी नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं पहले तो याद रखो क्या होते हैं बोलो, मॉलिक्यूल्स है ना, दूसरा इनमें नंबर ऑफ एटम सेम रहता है, नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा, मतलब एक डायटॉमिक है तो दूसरा भी डायटॉमिक होगा, एक ट्राइएटॉमिक है तो दूसरा भी ट्राइएटॉमिक होगा, नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब हम बोलेंगे वो क्या है बोलो आइसोस्टर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं CO2 और N2O, क्या ये आपस में आइसोस्टर है, देख लो कितने एटम्स हैं टोटल, कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स में, कितने एटम है, तीन, अरे दो ऑक्सीजन के एक कार्बन का, यहां पे भी तीन है, दो नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का, अब काउंट करो इसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम है क्या, कार्बन के 6 और ये 16, 16 और 6 22 और इधर नाइट्रोजन के 14 और 8 22, ये भी सेम हो गए, तो ये दोनों क्या हो गया आइसोस्टर्स, ठीक है ये नोट कर लो। और कोई आइसोस्टर CaOKF, ये भी क्या हो गया आइसोस्टर, आप कैलकुलेट कर लेना सेम आएंगे, OF2 जो पहले एग्जांपल दिया था और HClO, ये भी आपस में क्या होंगे आइसोस्टर, ये नोट कर लो। अच्छा आइसोटोन्स के बारे में एक चीज, आइसोटोन को कभी कभी आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोल देते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन सेम है ना, तो आइसोटोन्स का एक नया नाम बनकर आइसोन्यूट्रॉनिक बोल देते हैं, बताया गया, तो ये भी याद रखना आइसोटोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, तो याद है नोट करो फिर आगे बढ़ो। फिर क्या है आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स इसमें क्या होता है एन माइनस पी सेम होगा, क्या होगा एन माइनस पी जो है डिफरेंस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो सेम होगा, ठीक है n माइनस पी क्या होगा सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आएंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं बोरॉन 11.5 लिखा है और कार्बन क्या लिखा है बताओ 6.13, तो बताओ यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है 11 माइनस 5 है 6 और n माइनस पी कितना 6 आ गया और n कितना था 6 और प्रोटॉन कितने हैं 5, अरे ये z वैल्यू है ना, z वैल्यू तो प्रोटॉन के बराबर होती है, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, तो तुम्हें बोरॉन में n माइनस पी की वैल्यू 1 आई है ना, और यहाँ प्रोटॉन कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने 13 माइनस 6 कितना 7 और 7 माइनस 6 कितना आया 1,
तो यहाँ पे भी n माइनस बी वन, यहाँ पे भी n माइनस बी वन, तो ये आपस में क्या हुआ? आइसोडाइवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। और एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। एक और एग्जांपल आइसोडाइवर्स का, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का, 99 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 57, ये वेरीफाई कर लो। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? आइसोडाइवर्स, चेक कर लेना। तो अभी जो एटम के बारे में, अभी इस चैप्टर का नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बहुत लोग रिसर्च कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, तो समझ ही नहीं पा रहे है ना। बहुत सालों से, इनफैक्ट युगों से जो है लोग एटम को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडियन फिलोसफर्स भी थे, ग्रीक फिलोसफर्स भी थे। जैसे हिस्ट्री ऑफ एटम की अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए भाई एटम को रिसर्च कर, अभी आज भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है ना, पता करने की कोशिश की जा रही है और अभी काफी कुछ पता भी चल गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एटम की सारी चीजें नहीं समझ में आई। समझ लो एटम के अंदर अभी भी सब एटॉमिक पार्टिकल डिटेल में समझ में नहीं आया, बिहेवियर उनका, ठीक है ना। तो अभी भी हिस्ट्री ऑफ एटम इसलिए समझ लोगे तो आइडिया रहेगा अभी क्या क्या आया था, कब कब आया था। तो सबसे पहले 500 BC में डेमोक्रेटस जो है उसके आसपास, ये ग्रीक फिलोसफर था, इसने क्या बोला? देखो इंडियंस जो है ना, हम सब पहले से जानते थे परमाणु है? अरे परमाणु पता ही है ना, बच संस्कृत टेक्स्ट पढ़ लो, उसमें परमाणु है, ठीक है। तो हमें पहले से ये सब पता था, ये तो 520 से तो फालतू में किताब है एटम तो एटम के बारे में पता था ना हमेशा से, इंडियन ऋषि मुषि सबको पता था, ऋषि मुनि वगैरह। ये तो ये सब बाद में आया, अंग्रेज आया और इन्होंने अपना दिखाने की कोशिश की कि हाँ देखो हमें, हमारी किताबें पढ़ी और अभी को दिखा रहे हैं। समझ रहे हो कितनी दुख की बात है, ये हमारे ही पढ़ के हमको सिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अरे शास्त्र पढ़ो, पढ़ो ना, पढ़ो शास्त्र पढ़ो। है तो एटम के बारे में वी ऑलवेज न्यू, ठीक है, बट उसको कभी वैल्यू नहीं दी गई इतनी, इसके बारे में ना कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन आया। तो 500 BC में ग्रीक था ये डेमोक्रेटस, और इंडियन फिलोसफर्स ने भी ऑब्वियसली इससे पहले ही काफी कुछ हो चुका था। इससे पहले क्या हो चुका था बताओ? भगवद गीता हो चुकी थी, मतलब महाभारत हो चुकी थी, तो उस समय पता था, करोड़ों साल पहले पता था तो मतलब। लेकिन ये नोन, जब से हमें पता चला है कि इनको कब से पता चला है, ठीक है, तब से वो 500 BC डेमोक्रेटस जो है उसने बताया, तब हमने माना अच्छा फॉरनर ने कहा है, हाँ कुछ होगी बात है। तो इसने पहली बार इसने नाम क्या दिया? एटम। और इसने बोला एटम का मतलब क्या था? अनकटेबल है ना, अनकटेबल। हाँ तो ये एटम वर्ड उस जमाने में यही मीन करता था, अनकटेबल, आज भी मीन करेगा। तो ये पहला आया है ना हिस्ट्री ऑफ एटम है। फिर कौन आया? फिर वही इंडिया, इंडिया पे कब्जा वब्जा हुआ, सब पागल हुए, डाल्टन आया है ना। डाल्टन ने क्या दिया? अपनी एटॉमिक मॉडल दिया है ना, इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया डाल्टन ने। आपने पढ़ा ही होगा एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन, नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। और इसने क्या किया? अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सपेरिमेंट से भी बैक किया, मतलब उसने जो बोला उसमें से कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड 1850 में जो है फैराडे ने कैथोड रे ट्यूब में अपना एक्सपेरिमेंट किया। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। इससे इसने क्या ढूंढे? कैथोड रेज। क्या ढूंढे? कैथोड रेज की ये नेगेटिवली चार्ज है। इससे क्या मतलब चला बोलो? कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज। देखो भाई समझ में आया? देखो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हर इवेंट को नहीं देखेंगे, लेकिन एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि कितनी रिसर्च चली, और भी बीच में चीजें हुई, ऐसा नहीं सिर्फ डायरेक्टली इतने गैप में, और भी बीच में चीजें हो रही होगी, बट हम जस्ट एक जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड हो गया। फोर्थ फिर आया जे थॉमसन, कितने में? 1897 में। कौन आया? जे थॉमसन। इसने क्या बात की? इलेक्ट्रॉन के बारे में,
है ना, ही डिस्कवर्ड या इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी है ना, यहाँ पे हुई। क्यों समझ में आ रही बात? और इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंपोनेंट ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स आर कंपोनेंट ऑफ एवरी एटम। देखो डाल्टन के समय ना प्रोटॉन के बारे में पता था, ना इलेक्ट्रॉन ना न्यूट्रॉन, किसी के बारे में नहीं पता था। मतलब डाल्टन के समय कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं पता था। ये सब क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके बारे में पता ही नहीं था। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन। इनके जमाने में क्या पता था, डाल्टन के जमाने में सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में पता था। क्यों? क्योंकि ये लोग वही स्टोशियोमेट्री करके एटॉमिक मास निकालते थे, है? स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशन इक्वेशन बनाते हैं, वो सब उस जमाने में बना के निकालते थे। सबका मेजर वेजर थोड़ी ना करते थे, तो इक्वेशन बनाते थे, बोलते इसके साथ रिएक्शन हो गया, उसको यूनिटरी मेथड लगाया, आ गया। क्यों? तो उससे एटॉमिक मासेस नोन कर लेते थे, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता। मतलब एटम के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस एटम है कुछ, हाँ ठीक है, उतना ही पता था। ये डेमोक्रेटस की थ्योरी को जस्ट वैलिडेट कर रहा था। फिर यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, क्या बोला जे.जे. थॉमसन ने, ऑफ एटम, है ना, ऑफ एवरी एटम। हर एक एटम में इसने बोला पहली बार कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। फिर आया कौन, अच्छा इसने अपने एटॉमिक मॉडल भी दिए। इसने अपना क्या दिया, थॉमसन ने, एटॉमिक मॉडल। इसके एटॉमिक मॉडल को क्या बोला गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, फेमस। क्या इसका नाम, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये सब बचपन में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हो तो गूगल कर लेना, इजी इजी है। ठीक है, अभी बताएंगे आगे वैसे चलेंगे। तो देखो फिर क्या आया, कौन आया, फिफ्थ, फिफ्थ क्या आ, कौन आया बोलो, थॉमसन के बाद कौन आया, रदरफोर्ड, है? 1909 में आया। कौन आया 1909 में, कौन साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोला, उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसने 1909 के आसपास इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना, और इसने अपना मॉडल दिया, क्या, रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल भी इसने दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोला, जो कुछ चीजें तो एक्सप्लेन कर गया और कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहां से ही, पॉजिटिव जो प्रोटॉन के बारे में जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है वो यहां से पता चल रहा था, बट और चीजें नहीं पता चल पा रही थी रदरफोर्ड के मॉडल से। क्या नहीं, वो आगे देखेंगे। फिर कौन आया बताओ रदरफोर्ड के बाद, 1912 में नील बोर, है ना, बोर मॉडल आया, है ना। बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन करने का कोशिश की रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को, है ना, इसके जो ड्रॉबैक्स है किसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बोर ने। फिर बोर के भी कुछ फेलियर्स थे, फिर स्पेक्ट्रम वगैरह एक्सप्लेन हुआ, है ना, बोर्स के भी कुछ फेलियर्स थे। फिर क्या हुआ, बोर चला गया, तो 1924 में डी ब्रॉगली आया, है? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द डेवलपमेंट्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आगे जाके क्या आया इसके बाद, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसके लिए क्या क्या हिस्ट्री थी, क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली क्या हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आया, है ना। क्यों, इसने क्या बात की, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात की, डुअल नेचर ऑफ बोलो इलेक्ट्रॉन। और साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, ग्रेमर या जर्मर, तो डेविसन एंड ग्रेमर या जर्मर जो भी बोलते हो आप, डेविसन एंड जर्मन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके वैलिडेट किया कि हाँ डी ब्रॉगली सही कह रहा है, जो फॉर्मूला इसने दिया डुअल नेचर का वो सही है। ठीक है, फिर आया कौन बताओ, श्रोडिंगर आया 1926 में, इसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत हुई है। क्या हुआ बताओ, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल दे दी। ठीक है, इसने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डिस्क्राइब किया उसकी एनर्जी लेवल्स के बारे में, उसकी पोजीशन, उसकी ओरिएंटेशन, ये सारी बातें श्रोडिंगर ने कोशिश ही करने की। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको ये चैप्टर का फ्लोचार्ट तो पता होना चाहिए, नहीं तो आगे आपको दिक्कत आएगी। सर ये लिखना है, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया जिसने एक्सप्लेन करा,
मोमेंटम के बारे में, या उसने बोला कि पोजीशन या मोमेंटम एग्जैक्टली हम एक साइड पे दोनों बातें नहीं पता कर सकते इलेक्ट्रॉन की. वी कैन नेवर नो द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज एग्जैक्ट मोमेंटम एट द सेम टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन. फिर 1932 में कौन आया? चैडविक. चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की. इसने क्या क्या डिस्कवर्ड? न्यूट्रॉन. अब देखो सोचो कितने साल बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है. देख रहे हो इसने 1808 में तो कुछ भी नहीं पता था. प्रोटॉन वोटॉन यहाँ कहीं पता चल भी, इलेक्ट्रॉन पता चला, प्रोटॉन पता चला, फिर जाके चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की. ठीक है ना. और चैडविक ने ही क्वांटम मॉडल जो हम उसने एक्सप्लेन किया जो आज वाइडली एक्सेप्टेबल है. हाँ बोलो बोलो. 500 BC और 1802 में कुछ नहीं हुआ. वाह बस आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, इसके बीच में क्या हो रहा होगा? कब्जा वब्जा चल रहा होगा, पागल जैसे दुनिया को कब्जा कर रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, तंबू गाड़ के सब मार रहे होंगे, यही सब चल रहा होगा, खुरपी और कट काट पिटाई जो भी. कलयुग तो चालू हो ही गया था. कलयुग तो चालू हो ही चुका था ना महाभारत के बाद. तो बस कलयुग के एज में सारी डिस्कवरी जो बता रहे हैं ये, इनको लग रहा है पता ही नहीं होगी सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में. क्या जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, हिस्ट्री ऑफ एटम. एटम तो बहुत, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट, हम आज के कलयुग के लोग ही इंटेलिजेंट है ऐसा मान के चलो, जबकि ऐसा थोड़ी ना है. हम मान ले रहे हैं बाकी एज के लोग जानते नहीं थे कुछ. हो सकता है वो जानते हो सकता नहीं, वो तो जानते ही थे, हमें लगता है ऐसा वो नहीं जानते. तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो डाल्टन्स लॉ है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता था. जो हमारी 1808 में कौन सा थ्योरी आया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इसने क्या अपना लॉ नहीं है, लॉ नहीं है, लॉ अलग होता है ना, थ्योरी है. डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. ऑब्वियसली डेमोक्रेटस ने भी यही बात कही थी, तो कोई बड़ी बात तो कही. और इसके जमाने में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, है ना. फिर इसमें दूसरी बात क्या कही? ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. मतलब जैसे नाइट्रोजन एटम है, तो तुम पुणे में अगर नाइट्रोजन एटम देखोगे जैसा दिख रहा है वैसे ही नाइट्रोजन एटम तुम्हें चेन्नई में भी दिखेगा, वैसे ही तुम्हें कलकत्ता में दिखेगा, वैसे ही दिल्ली में दिखेगा, है ना. कहीं भी चले जाओ तुम्हें वो नाइट्रोजन एटम एकदम आइडेंटिकल दिखेगा. ऑक्सीजन एटम एकदम आपस में, जितने ऑक्सीजन एटम है सब सेम होंगे, आइडेंटिकल होगा. उनका मास भी क्या होगा? बोलो सेम. और डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट एटम मास डिफरेंट होगा. जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मास आपस में क्या होगा? डिफरेंट होगा ऑब्वियसली. फिर क्या बोला? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. यही तो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. भाई वाटर कब बनता था? जब 1:8 ग्राम बाय मास, मतलब बाय मास रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करे, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को किसने एक्सप्लेन किया? डाल्टन्स ने. इसलिए ये थ्योरी का वो एडवांटेज है, वो उसके फायदे बता रहे, मेरिट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी. मतलब इट कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कैसे? लास्ट पॉइंट देखो, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, द एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मतलब मास कंजर्वेशन में ही बात तो की थी. तो ये भी इसने एक्सप्लेन किया, किसने? डाल्टन ने. ये इसकी अच्छी बात थी डाल्टन. बोले व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डाल्टन, तो इट कुड एक्सप्लेन दीस टू. तीसरी चीज, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. हाँ तभी तो मल्टीपल प्रोपोर्शन भी वैलिड होता है. अरे Ab2 एग्जांपल क्या था ना, Ab2 A2B वाला. हाँ पिछले चैप्टर में, लास्ट लेक्चर, पिछले चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर. मतलब बेसिकली इट कुड एक्सप्लेन दीस थ्री, इसलिए ये अच्छी थ्योरी मानी गई उस जमाने में. लेकिन इसके कुछ फेलियर्स भी थे, इसके कहते हैं ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी. क्या डीमेरिट्स है? मतलब व्हाट इट कुड नॉट एक्सप्लेन. तो पहला, कुड नॉट एक्सप्लेन क्या? सर्टेन फिनोमेना लाइक रिजल्ट्स, या कुड नॉट एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोग हेयर नहीं वो रब करते हैं ग्लास को सेल्फ पे, है ना, तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है ना, स्टैटिक रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके रिजल्ट नहीं एक्सप्लेन कर पा, मतलब रब करने पे क्यों चार्ज हो जा रहा है ना, क्यों ऐसा वो पेपर जो है बिट्स ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट हो जा रहा है, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दूसरा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि उसके जमाने पता ही नहीं था सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो पता ही नहीं था, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल, एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन यहां से शुरुआत हो गई थी रिसर्च की डाल्टन से ही, कि चलो अब रिसर्च करने का समय आ गया है, मॉडर्न एज को लाने का समय आ गया है, इलेक्ट्रिकल एज को, है ना, तब से ये डाल्टन ने चालू कर दिया। तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगली क्लास, बाकी अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना।